नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आज हम बात करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर, जीएनपी से कैसे क्वेश्चंस रेलवे परीक्षा में खास करके आ रहे हैं। जो रेलवे का जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, रिव्यूअर ने कहा था कि उन्हें जीएनपी पर वीडियो भेजी जाए, तो आपको हम ये भेज रहे हैं कि जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये क्या होता है देखिए, तो हमारे देश में जो जीडीपी हमने बताया था पिछली वीडियो में, तो जीडीपी में जितना इनकम होगा, एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए कि 100 रुपया का इनकम जीडीपी में दिखता है, तो हमारे देश के अंदर टोटल जीडीपी जो हुआ है उसमें विदेशी इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे, जितनी विदेशी कंपनी है उसकी सेवा जो गुड्स और सर्विसेज वो लोग दे रहे हैं सारी चीज़ों को माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद में आपको जो बचेगा, मान लीजिए कि 40 रुपया का इन्वेस्टमेंट जो है वो विदेशी कंपनी ने भारत में कर रखा है, तो आपको 100 में से 40 रुपया को घटा दी। और अगर कोई भारतीय कंपनी विदेश में बिजनेस कर रही है, रूस में कर रही है, अमेरिका में कर रही है, चीन में कर रही है, उसको जोड़ लेंगे। अब देखिए, अगर हमारी देश की कंपनी विदेश में 40 रुपया का इन्वेस्टमेंट की है, वो 40 को जोड़ लेंगे, हमारा जीएनपी कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। तो जीएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री प्लस इंडियन इन्वेस्टमेंट इन अब्रोड, मतलब जितना पैसा भारत में टोटल जीडीपी में आया और उसमें जो विदेशी कंपनी का पैसा है उसको आप माइनस कर लीजिए, और उसको माइनस करने के बाद में जो हमारे देश का पैसा विदेश में लगा है उसको जोड़ लेना है। अब देखिए, उदाहरण के लिए कि अगर कोका कोला पेप्सी कंपनी का जो भारत में पैसा लगा है इसकी इनकम को हम अपना जीडीपी बोलेंगे, ठीक है, लेकिन अमेरिका का ये क्या हो जाएगा, ये अमेरिका को हो जाएगा जीएनपी। वैसे टाटा स्टील का पैसा अगर वो विदेश में है, अगर ब्रिटेन में कोई कंपनी है, तो उसकी इनकम जो होगी वो हमारे देश के लिए जीएनपी हो जाएगा, और ब्रिटेन का क्या कहा जाएगा, जीडीपी। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर बढ़ रहा है देश को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, कैसे, अब भारत की सारी कंपनी यहाँ से विदेश जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो रोड कहाँ बनेगा, बिजली कहाँ मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बनेगा, रोजगार कहाँ मिलेगा, विदेश को मिलेगा, हमको तो सिर्फ जो रेवेन्यू का टैक्स से फायदा हो रहा है। तो इसलिए हमारे देश की कंपनी अगर देश में ज़्यादा काम करे और विदेश की कंपनी भी करे तो हमारी जीडीपी बढ़नी चाहिए, ये ध्यान रखना है। जीडीपी बढ़ेगा तो देश विकास करेगा, जीएनपी बढ़ने से हमको फायदा नहीं है बल्कि हमारे देश की कंपनी जिस दूसरे देश में गई है वहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है और चाहते हैं कि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो बहुत आसान है, JSR विनयजाइस अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और झारखंड के लिए झारखंड अब तक न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप तक हम तुरंत मौजूद हो जाएंगे। और आप कोई भी वीडियो चाहते हैं कि आप तक पहुंचाई जाए, खास करके जो एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट में रहिए, अवश्य आपकी जो आप चाहते हैं वो होगा पूरा। नमस्कार।